अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की टॉप 10 खबरें। नांदेड़ के बीजेपी कायद भास्कर राव खदगांवकर और ओम पोकरना की कांग्रेस में शमूलियत। पंजाब के मुजफ्फरगढ़ में पसंद की शादी का रंज, बाप ने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के घर को आग लगा दी, 7 अफराद हलाक। भोपाल में प्रेमी जोड़े को मुस्लिम आवाम ने पकड़ लिया और हिजाब बुरके को उतरवाया गया, दोनों लड़का और लड़की गैर मुस्लिम निकले, वीडियो देख सकते हैं। देखिए देखिए भाई, ये कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। भाई नकाब उतारिए, नहीं नहीं नकाब उतारिए आप, नहीं पता तो चले लोग। पुलिस में दो ना भाई, पुलिस यार, पुलिस को पता तो चले कानून को, हमारे इस्लाम को इस तरह बदनाम किया जाता है। अरे सर हम नहीं होगी ना सर, गलती पहली बार थी सर, हमें कौन सा पता। गलती ये पहली बार क्यों है, तेरी ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, बुरखा पहनाना गलती नहीं है सर। हमें पता नहीं था ना सर, ऐसा भी हो सकता सर, बीच में हमें कौन सा पता था सर। संजय रावत ने कहा, सरकारी कत्ल ने अब माहदे कत्ल की जगह ले ली, तफ्तीश एजेंसी को सुपारी दे दी जा रही है। हरमैन शरीफैन में सोशल डिस्टेंसिंग बर्खास्त, मकामात पर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। लगातार अहमदाबाद की सड़कों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खातून के यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश, जिनमें 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, जबकि खातून पहले ही 2 बेटियों की माँ है। महाराष्ट्र से शरद पवार का कहना है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को वजीर आला बनने पर इसरार किया। फातिमा साहबा 14 माह में कुरान की खत्ताती मुकम्मल करने वाली इंडियन लड़की। राहुल गांधी ने कहा, सबका विनाश महंगाई का विकास, अगर सरकार नहीं बढ़ाती टैक्स तो आज पेट्रोल की कीमत होती 66 रुपए लीटर और 55 रुपए में मिलता 1 लीटर डीजल। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अब तक आपने आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।